नमस्कार, मैं हूँ दीपा और आपका स्वागत है मेरे चैनल डीके किचन में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। आज की हमारी रेसिपी है दिवाली स्पेशल चकली, तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चकली बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी कटोरी चावल, मुट्ठी भर साबूदाना, मुट्ठी भर पोहा, एक छोटी कटोरी चना दाल, थोड़े से अजवाइन, थोड़े से सफ़ेद तिल और मुट्ठी भर उड़ीद दाल, और इन सबको कढ़ाई में भूनना है और मिक्सर में अच्छे से पीसना है, और तलने के लिए तेल। ये चकली का आटा है, इसको मैंने मिक्सर में पीसा है, चाहे तो आप आटा चक्की से भी पिसवा सकते हैं। मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, और ये है सफ़ेद तिल। अब इस आटे में हमें मिक्स करना है सफ़ेद तिल, अजवाइन, स्वादानुसार नमक, मिर्च पाउडर, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको आप अच्छे से मिक्स करना है। अब इस आटे में हम मिक्स करेंगे उबलता हुआ तेल, और इसको पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे। इसको पहले हाथ से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। इसको चम्मच से ही पहले मिक्स करना है, और फिर इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका अच्छे से डो बना लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अब इसका डो बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अब चकली मेकर से हम चकली बनाएंगे। अब हम चकली को तेल में डीप फ्राई करेंगे और फ्लेम को हाई मीडियम पे रखना है।
चकली को हम तेल से निकालेंगे। इस तरह हमारी चकली बनकर तैयार है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो ऐसे देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।